जोर से बोल। आ? मार देने का। इनका क्या नाम है छपरे का? उमामा। आ? उमामा। उमामा को मार देने का है? आ? अच्छा, उमामा को कब मारने का? अम्मास में, पुन्नम में? जोर से बोल और जोर से। हाँ बोल जोर से। अच्छा, कितने महीने से, कितने साल से परेशान कर रहे हो उमामा को तुम? हाँ जोर से बोल। कितने? अच्छा, और वो उमामा का जादू करते वक्त क्या लेके गए थे? हाँ, ये उमामा पे जो जादू करे तो उमामा का बाल लिए थे, कपड़ा लिए थे, चप्पल लिए थे, क्या लिए थे? क्या लिए थे? जोर से बोल। कपड़ा। क्या लिए थे? क्या लिए थे? कपड़ा। काय का था? शलवार, पैजामे का, शर्ट का, काय का, दस्ती का, टोपी का, क्या था? हाँ जोर से बोल, काय का कपड़ा था? काय का था? क्या था? जोर से बोल, जोर से, सबको सुने आना। क्या था? काय का कपड़ा था? काय का था? जोर से, जोर से। क्या थी? क्या थी? कौन से कलर की थी? कौन से कलर की? हाँ, अच्छा, सफेद कलर की कुर्ती लेकर एक जादू टोना करे। अच्छा, तुझे कहाँ से लाए थे? शमशान से, खबरदान से? जोर से बोल और जोर से बावाज बुलंद। कहां से लाए थे? शमशान से। अच्छा, वो जिसने जादू करा उसका नाम नहीं पूछा मैं अभी, वो किधर के लोग थे? वो इसके दोस्ताने के थे क्या? रिश्तेदार है क्या? माँ बाप के तरफ के रिश्तेदार है क्या? ससुराल के तरफ के? किधर के है? जोर से बोल, किधर के तरफ के? आ? जोर से और जोर से। अच्छा, तो इसको फाइनली कब मारने का था? अम्मास में, पुन्नम में? जोर से। कैसा बीमारी बताल के, दिल दबा के, एक्सीडेंट करके, सुसाइड करा के कैसा मारने का था उमैया को? क्या नाम है? उमामा को। हाँ जोर से। सुसाइड कराने था बोल रहा हूँ, वो शमशान से लाए पकड़ के। तुम कौन है इनके? तुम्हारे अम्मा अब्बा के रिश्तेदारों ने जादू करे करते। अरे इसको छोड़े। ए उम्मा को, क्या नाम है? उमामा। उमामा को कई में मिला खिलाए थे? हाँ, कई में मिला के खिलाए थे? जल्दी। हाँ, कहीं में मिला खिलाए थे? हाँ, डायरेक्ट जादू करे। तुझे कैसा भेजे? डायरेक्ट भेजे। हाँ, अच्छा, वो जादू करने वाले इसके गाँव में रहते हैं क्या? दूसरे गाँव के वो रिश्तेदार? हाँ, जोर से। कहाँ रहते? तुम्हारे ही गांव में रहते वो। जादूगर को कितने पैसे दिए थे इसको मारने के वास्ते? जोर से बावाज बुलंद, मैं तो चीर दूंगा तेरी आवाज है, तेरी जबान, और बाहर टांग दूंगा। जोर से बोल, कितने?
17,000। अच्छा कितने बार दिए, किस बार दिए, क्या और दिए बार बार? दो बार। ठीक है, जकड़ो उसको और तेज के साथ। और इसके घर में से, उमामा के घर में से और किस किस को मारने वाले हैं? हाँ, उमामा के बाद किसको मारने का था घर में से, दूसरे भाई को, बहन को, क्या अब्बा को, अम्मा को, किसको? खाली इसको मारने का। अच्छा, जादू करने की दुश्मनी क्या थी, क्यों करे इसके ऊपर, उमामा पे? जोर से, अच्छा तो क्यों करना है, क्यों करे इस पे जादू, उमामा पे जादू करे और इसको मार देने का करे, तो क्यों करे, दुश्मनी क्या थी, हसद जलन क्या था, पैसे बहुत कमा रहा था बोल के, क्या जमीन जायदाद का झगड़ा था, क्या था? जोर से, घर की, अच्छा दुकान का मसला। जकड़ लो इसको और तेजी के साथ, तोड़ दूं तेरे हाथा। हाँ, तू मरा हुआ इंसान की नस्ल से है, घुमा, मरा हुआ इंसान की नस्ल से है कि जिन्नात की नस्ल से है? हाँ, जोर से, मरे वाले इंसान की नस्ल से है। मरने से पहले क्या नाम था? जोर से, क्या था? जोर से, जोर से बोल जल्दी। जकड़ो इसको और तेजी के साथ। नाम मैं अभी नहीं पूछाया, नाम मैं दूसरे राउंड में पूछूंगा, क्योंकि पहले राउंड में नाम पूछा है, तुम जाके मुझे झगड़े करेंगे, झगड़े करने से शर्फ फैलता, शर्फ फैलेगा तो अच्छी बात नहीं, इजाजत नहीं शर्फ फैलाने की, समझ गए तुम? तो कुर्ती ले जाके कुछ तो भी करे, हरकत करके छोड़े, कुछ तो भी मसला चल रहा उनका, जमीन जायदाद का, दुकान का, कुछ भी कारोबार का क्या है वो आगे तफसील में बताने लगूंगा, क्योंकि पहले इसलिए मैं नाम, ए दूर जाता रहा, इतने नजदीक क्यों ला रहा कैमरा? तो वो जो भी दुकान का मसला या जो भी है कारोबार का, जिसने भी जादू करा या ऐसा करे, शमशान से उठा के लाए उसको पकड़ के, मरने से पहले उसका नाम क्या बोला उन्होंने? सचिन, सचिन ऐसा कुछ तो भी है बोल के, और शमशान से उठा के ला के इसके आगे छोड़े, शमशान जागरूक करना बोलते उसको, जैसे कब्रस्तान उठाना, शमशान जागरूक करना, ये सब जादूगरों के काम है, और करने वालों को और सबको तो मार पड़ती, क्योंकि दूसरों के वास्ते खड्डा खोदने वाला खुद भी खड्डे में गिरता, ये जैसे जैसे इसको जलाना चालू करेंगे पूरा, वैसा वैसा उनको मार पड़ना चालू हो जाती सबको, क्योंकि जालिमों को अगर सजा नहीं देंगे तो फिर क्या मजा आएंगी, फिर तो खुलेआम और भी कुछ करेंगे और बहुत जनों को परेशान करेंगे, और उनके घर पर बहुत अलडा पुकारे कर रहा था वो, आकर बहुत मस्तियाँ बता रहा था, उसको मार के नहीं जाने वाला था, और यहाँ दाल चल गलने देते गए, यहाँ किसी दाल नहीं गलती, यहाँ अल्लाह कलाम की ताकत है, और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के कलाम की है, मोमिन बंदो और मुसलमानों भी सुनो, और फिर होना जो भी लोग सुन रहे वो सब सुनो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जरूरी नहीं है कि मुसलमानी कुरान पढ़ना, मुसलमानी हदीस पे चलना, तुम भी तो लोग पढ़ो, तुम अगर कुरान पढ़ेंगे तो तुम्हें उसका फैज मिलेगा, उसका फैज की उसकी बरकत तुम हासिल करेंगे, हर जात वाला इंसान, तो क्या पता गैर मोमिन बंदे, ये गैर बंदे भी अगर कुरान पढ़ेंगे तो उनको भी अल्लाह दीन की और दुनिया की दौलत से नवाज देगा, और दुनिया भी तुम्हारी महफूज रहेंगी, इसलिए पढ़ा करो, समझ के पढ़ो, और उसका फैज हासिल होगा तुमको, उसकी बरकत तुम्हार पर, उसकी रहमत, उसकी अजमत, उसकी नियामत है जो उन्होंने रखा कलाम इलाही के अंदर, उससे फैज याब होंगे तुम, तुमको उसके फायदे मिलेंगे, और ये सब अबाओं से, ये बलाओं से तुम बचेंगे। मैं बार बार यही कहता कि इबादत की रस्सी को पहले से मजबूती से थामना, जिक्र और इबादत ऐसा किया करो लोगों कि जिक्र और इबादत जबान से लेके हलक तक मत करो, आलिम कुरान पढ़ता तो जबान से लेके हलक तक, हाफिज कुरान पढ़ता तो जबान से लेके हलक तक, मगर जब अल्लाह का वली कुरान पढ़ता
तो वो हल्लक से और जबान से नहीं रहती, वो दिल से रहती, बल्कि सब आलम हिल जाता पड़ा। तो उस वास्ते वैसी इबादत करने की कोशिश किया करो, इबादत में ढल जाओ तुम। अगर उसमें ढल जाएंगे जिक्र अस्कार में, इबादत में ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो फिर तुमको ये सब हवाओं से बलाओं से अल्लाह महफूज रखेंगे, अपने आप को तुम अल्लाह के हवाले कर देंगे। तो अल्लाह तुम्हारे जिक्र में ऐसी तासीर पैदा कर देता, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती फिर तुम्हारे जिक्र में, कि तुम्हारा जिक्र फिर तुम्हारी ढाल बन के हिफाजत करता। तुम दो दिन जिक्र करेंगे या चार दिन नमाज पढ़ेंगे या एक महीना नमाज पढ़ेंगे और बोलेंगे चलो चलो अब हमारी मदद हो जाना, ऐसा कैसा होगा? दो दिन जिम मार के कोई बिल्डर बन जाता क्या? दो दिन कोई प्लेन उड़ाना चलाना सीख के प्लेन चला सकता क्या? हर चीज की मुद्दत रहती सीखने की करने की। तो इसलिए इबादत भी किया करो, उसकी भी कोई लिमिट रहती। तुम लिमिट को क्रॉस करते हुए ज्यादा इबादत करते हुए आगे चले गए तो फिर तुम इतने नेक मामलात में तुम श्याम शुमार हो गए नेक बंदों में अल्लाह के, कि फिर तुम्हारे से खुद फैज जारी कराता हो, तुमको भी फैज देता और तुम्हारे से भी दूर हो गया। तो कैसे बनो ना, बने तुमगा। और आजकल की जो माएँ बहनें जो बेटियां हैं हमारे उम्मत की, उनको मैं खास करके ये बोलूंगा कि जादूगरों के पास मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। उम्मत को आज सख्त जरूरत है तारिक बिन ज़ियाद की, उम्मत को आज सख्त जरूरत है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसे, उम्मत को आज सख्त जरूरत है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जैसे। या ऐसे जब तुम्हारे वतन से बेटे पैदा होंगे तुम्हारे कोकों से, तो उम्मत को क्या बोलते, तो सही तरीके से अल्लाह के फजल करम से आलम इस्लाम का परचम डबल से जालिमों के सीनों में गाड़ देंगे। क्योंकि आलम इस्लाम उस चीज़ का नाम है कि ना इस्लाम के अंदर जुल्म देखना भी गुनाह है, करना भी गुनाह और सहना भी गुनाह है। तो तुम्हारे औलादे भी तो वैसे होना ना कि जाके चीर के जालिमों को फेंक देने वाली। तो वो औलादे कब पैदा होंगी? जब माएँ बहनें बेटियाँ नेक रहेंगी, इबादत करेंगी, कुरान हदीस अल्लाह रसूल की रस्सी को मजबूती से थामेंगी, घर के अंदर दीन की तालीमात देंगे तुम, तो तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा तो वो भी रूहानियत का पहले स्कूल में और दूसरा गोद में आने के बाद माँ की गोद दूसरा स्कूल रहता। दुनिया वाले बोलते कि माँ की गोद पहला स्कूल है, माँ की गोद पहला स्कूल नहीं है, वो दुनिया के एतबार से पहला स्कूल है मगर रूहानियत के एतबार से पेट पहला स्कूल। माँ अगर नेक रहेंगी तो फिर बच्चे तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा, फिर बच्चा खालिद बिन वलीद के नक्शे कदम पे चलेगा, इमाम अली के नक्शे कदम पे चलेगा। फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जो जालिमों को क्या बोलते, तो देख जुल्म तो करना बहुत दूर की बात, जालिम उनके खौफ से डर के मर जाएंगे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खौफ से थर्रा जाके अंग्रेजा कहीं मर जाते थे हार्ड आके। आज भी जो जो कहावत है ना, जो तुम्हारा उल्लू बनाए, वो कहावत पिक्चर में बताकर कि सो जा बेटे सो जा, नहीं सोया तो गब्बर आ जाएगा, गब्बर नहीं था वो डायलेग, वो जो थी मिसाल, वो आज भी लंदन में बोली जाती है। आज भी लंदन के अंदर जाओ और देखो, जब अंग्रेज का बच्चा नहीं सोता तो उन्होंने बोलते सो जा बेटे सो जा, नहीं तो टीपू सुल्तान आ जाएगा मैसूर का। तो इतनी खौफ है उनके ऊपर आज भी। तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे इंसाफ करने वाले, और तुम्हारे को सख्त जरूरत है उम्मत मोहम्मदिया का, सख्त जरूरत है। तो समझो ये हरकतें मत करो, जादू करने वाला हमें से नहीं है और जादूगर भी हमें से नहीं है और कराने वाला भी हमें से नहीं है, उसकी शफात नहीं होंगी। और ये शैतानों की इनकी कोई मिसाल और कोई हैसियत नहीं अल्लाह कलाम के सामने, इनको जलना ही है और जल के राख होना ही है और सबको हटना है, मगर ये हरकतें नहीं करना। और ये सब खुद ये बोल रहा कि मैं खुद ब खुद उन्होंने जादू का वार मारा और मैं आ गया, मगर मेरे को सारी बातें मालूम रहता है, ये खिला के करके छोड़े आला है और ये दवा इसके अंदर भिनेरी नस नस में भी नीचे उतना मजबूती से बैठा और ये ताज़ा ताज़ा नहीं है, बहुत टाइम हुआ है करके। तो बयान करा उसमें उन्हें 6 महीने, मगर और भी बहुत सारे बातें हैं सारे, तो मैंने सामने लाया नहीं अभी, नेक्स्ट टाइम पे इस वास्ते लूँगा कि सबका गुस्सा शांत होना, उसके बाद सामने लूँगा। ज़्यादा गुस्से में रहेंगे मैं बता दूंगा तो फिर जाके शर फैलेंगे, झगड़े होंगे, मार मर वो कराना ज़रूरी नहीं है ना, इसलिए वक्त आने झगड़ो उसको अंदर से और तेजी के साथ। क्या करता, इज्जत से छोड़ के जाता कि फिर पूरे कार्रवाई करूं जलाने के? हाँ जोर से बोल, जोर से बोल। हाँ जा रहा उसको छोड़ के, हाँ जा रहा कि फिर आगे पूरे कार्रवाई कराने का पता जल्दी। اللهم صل على محمد छोड़ता उसको, इज्जत से जा रहा है कि पूरा जला के राख करूं? जोर से बोल, जोर से बोल। जा रहा, चल एक मौका दे रहे जाने का, तू उसको छोड़ के जा तो मैं उसकी सारी दवा बाहर निकाल के फेंकूंगा, और अगर नहीं जाएगा तो बाद में फिर तुम पूरा जला के राख कर दूंगा। चल भाग जा, छोड़ उसको, चल छोड़, जा छोड़ के। क्यों
मामा किसका नाम था? शादी का, शादी के बेटी का नाम था अबू उमामा, शादी का नाम था। अरे पानी पियो। कौन से साबी? कौन से आए थे? सता। चल घुमाओ कैमरा, घुमा के चले मेरे तरफ, पुतले की जैसा मट्ठा है। इन्हें बोल रहे हमारे तरफ लो मार दूसरे मन। जिनको नहीं लेना कहूँ उठ के खड़े हो जाओ, मतलब तुम्हारे आधे आधे हिस्से आते, तुम नीचे बैठी पूरे मुंह आते फिर तुम्हारे। खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बार बार मैं ये बोलता हूँ कि तुम लोग अगर इबादत की राह से भटक देंगे तो तुम्हारे घर में शैतान कब्जा करके बैठ जाएगा घुस के, और शैतान घर में बैठ जाएगा तो फिर शरीर में भी घुसता, फिर इकोनॉमिक कंडीशन से भी परेशान करता, फिर चारों तरफ से तुम्हारे वबाओं में घेर के हलाक करा देता। और इसलिए तो बोलते हैं ना कि शैतान मरदूत की और दज्जाल के साथियों की ये सब चीज़ों की अल्लाह से पनाह मंगो, ये जादू टोने की ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं कि जिसके घर में घुस जाते हैं उनको मालूम रहता है क्या रहते हैं, जब समझ में आया है तक इतना खोखल कर देते इंसान को, इतना कमज़ोर कर देते और इतने मौत के करीब लेके चले जाते कि जिसकी हद नहीं, और जब लास्ट में पता चलता बहुत एंड के अंदर, और जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख में, बार बार ये बोलता है। इस वास्ते तुम्हारे बताते हैं कि घर के अंदर जैसा तुम्हारे को बता वाली इबादत करो, जिक्र अस्कार करो, रात में एक मामूल बनाओ, बच्चों को सूरह यासीन लोगो, तुम्हारे को रात में तुम्हारे बच्चे 12-12 बजे तक टीवियां देख रहे, तुम्हारे बच्चे ट्यूशनों को जा रहे, हर चीज में मैंने ऐसे भी बच्चे देखा। मैं अभी MP में गया था, मैं इधर से होते हुए वहां मेरा दौरा था दिल्ली, तो MP उसके बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर ऐसे बहुत सारे बॉर्डर लगे, तो आगरा के अंदर रुके थे हम, तो आगरा के अंदर मुसलमानों के शेम शर्म आना बहुत ज्यादा, शेम टू मच शेम तुम्हारे लोगों के, जहन्नुम के हकदार अभी से बन जा रहे, तुम शर्म नहीं आ रही तुम्हारे, सर्टिफिकेट लिख के ले लो खुद अपने हाथों से। मुसलमान के इतने बच्चे बहुत सारे गाड़ी ऐसी पार्किंग में लगा ली जाके, वो जो गाइड था तो गाइड ऐसा होगा कि गाइड ने मुझे देखते पहचान लिया, वो तो उसके मोबाइल के अंदर में मेरा नंबर सेव कर रहा था, ऑलरेडी मेरा नंबर अंदर सेव था उसके, इसमें तुमने बोला मेरे बच्चे वो सब लोग आपकी वीडियो देखते, बोले अरे, मैं बोला ठीक है चलो। उन्होंने उसकी पर्सनल पार्किंग में ले जाके लगाया उनके मोहल्ले की चौरस थी, वहां पर हम जब ताजमहल देख के आए तक मुसलमान के बहुत सारे बच्चे 10-12 वहां क्रिकेट के बॉल कुछ तो खेलने के लिए आए, तो बोले आपने यहाँ गाड़ी लगाया हमारा क्रिकेट खेलना रुका, तो बोला खेलो ना, तो बोले वो जब कांच वाँच फूटेगा बोल के हम नहीं खेल रहे, ठीक है बोलो होगा अब हम जा रहे। तो बोला एक मिनट तुम सब बच्चे तो जरा बताओ क्या नाम है, तो सारे बच्चे मुसलमानों के, कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का, पूरे मैंने सबको पूछा, सूरह सुनाओ मुझे, आयात सुनाओ, ये सूरा सुना वो सुना, किसी को याद नहीं, नमाज का तरीका नहीं मालूम। उसमें से एक को बता रहे खाली इन्हें मस्जिद जाता बोले, वो सबसे छोटा वाला इतना, और इसको आते बोले सूरह ही नहीं सुनेगा। मैं बोला उसको तो आते मगर तुम लोगों को क्यों नहीं आ रहे, तो नहीं बोले हमारे माँ बाप हमको नहीं भेजते बोले मस्जिद को, इधर उधर जाओ नहीं बोलते, तो फिर क्या मतलब तुम इसको ना पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, जहन्नुम के ईंधन तुम भी बनेंगे और उनको भी बना दे रहे, सारी नस्लें तुम्हारी बर्बाद हो जाएंगी। जैसा तुम दीन की दुनिया की तालीम दे रहे हो वैसा दीन की भी तालीम देना फर्ज है। इसलिए बता रहा कि मैंने देखा और मेरे को देखने के बाद बहुत ताज्जुब हुआ, और उन्होंने बोल रहे कि वो बच्चा बोलेगा, और बाद में थोड़ी देर के बाद वो बच्चा तो इतने बुरे बुरे उनको गालियां दे रहा सबको, तो मैं बोला तू तो एक इनमें पढ़ने वाला है, तू ऐसा कैसा पढ़ने वाला है, तू भी इनको गालियां दे रहा, ये कैसी सोबत का असर, और ये कैसा मैं बोला मामला है, क्या चल रहा मुसलमानों, फिर कैसा नहीं तुम दुनिया के अंदर फिट होंगे, कैसा नहीं तुम, अल्लाह ने फरमा दिया था पहले ही फरमा दिया कि तुम अगर दीन की रस्सी को अल्लाह ने फरमाया सही तरीके से हदीस को पढ़ो तो तुमको पता चलेगा, तुम हदीस की किताबें हाथ में लेकर खुद पढ़ो हदीस को डायरेक्ट, तो तुमको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि जहां तुमको मेरी आल मिल जाएंगी उनकी रस्सी को मजबूती से थामो, या फिर हदीस और कुरान मिलगा तो वो रस्सी को मजबूती से थामो, क्योंकि मेरी आल भी तुम्हारे हदीस कुरान की राह पर लेंगे, और हदीस कुरान की राह भी तुमको अल्लाह और उसके रसूल की राह पर लेंगे, एक ही बात है। तो तुमने आज क्या कर दिए, तुम आज अल्लाह रसूल की रस्सी छोड़ के भटक गए, और अगर तुम भटक जाएंगे तो तुम पे जालिम बादशाह ऐसा मुसल्लत कर दिया जाएगा काफिर का कि जो तुम्हारे बूढ़ों पे और बच्चों पे भी रहम नहीं करेगा। तो सही बात है, वही दौर से तुम लोग गुजर रहे, तो अल्लाह तुम पे कैसा रहम करेगा, तुम राजी कराओ ना उसको, ऐसा दुनिया की तालीम दे रहे और दीन की तालीम से गाफिल तुम्हारे बच्चे। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, इतना अफसोस कि मैं बयान नहीं कर सकता कि 12, 13, 12, 10 उसमें 8 साल के पूरे से बच्चे ठहरा ले, किसी को सूरा कोई सूरा याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का भी सूरा याद नहीं, क्या बयान करूं। नमाज पढ़ने के तरीके भी नहीं, बोले हम नहीं जाते नमाज पढ़ने, बोले क्यों माँ बाप नहीं बोलते,
तो बोले नहीं, तो बड़ा अफसोस की बात हुई। तो कैसा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों का वहां रहता, सारे उलमा वहां से निकल के आते, देवबंद के भी, बरेली के भी, और तुम लोग वही यूपी के अंदर से, और बच्चों को ऐसी तालीम देहातों के अंदर, वो भी आगरा देहात भी नहीं है, बहुत बड़ा सिटी है, और ऐसे मामला बोले तो कैसा होगा। अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाइए, मेरे ऊपर वाजिब है तुमको ये सब बातें बताना, बोलकर मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें जरूरत और गरज नहीं है तुम आप ये सब बातें बताते बैठने की, क्योंकि तुम लोग वो है कि एक कान से सुन रहे दूसरे से छोड़ दे रहे, अमल नहीं कर रहे। इसलिए तो मैं बोलता, जो ना मांगे सीख फिर वो दर दर मांगे भी। चलो।